ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਚਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਂ ਚੁੱਕਾ ਨਾ ਗਿੰਦੀ ਕਿ ਆਏ ਨਹੀਂ ਵਾਸਤਾ ਦੇ ਮਾਂ ਇਹ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨਾ ਬਣ ਮਾਤੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਲਾਈ ਹੈ ਤਾਰਾ ਦਾਰੇ ਉਸ਼ਤਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਪੈ ਮਾਂ ਚੁੱਕ ਡੀਮੋਟੀਵੇਟ ਵੀ ਬਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਂ ਲਗਾ ਯਲਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮਸਾਇਲ ਹਸਤਾ ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਾਂ ਇਹ ਮਸਾਇਲਾ ਨਾ ਹਮ ਡਿਸਕਸ ਕਰੇ ਲੇਕਿਨ ਕਾਇਮ ਇਹਦਾ ਅਮਾਵਤੀ ਸਰਹਾਲ ਸਰਾ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਿ ਮਗਬ ਕਰਨ ਗਿਆ ਤੇ ਤੋ ਮੈਂ ਰੋਸ਼ਰੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਆਲਮ ਇਹਦਾ ਜਿਸੇ ਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਈ ਇਹ ਕੈਸੇ ਚੀ ਕਿਰਦੇ ਚੀ ਵੜਾ ਕੈਸੇ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਸਰਾ ਕਾਰ ਕਰਨ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਰੋਟਰੀ ਕਲੱਬ ਆਫ ਕਰਾਚੀ ਕੀ ਵੀ ਬਾਤ ਕਰ ਲੇਤੀ ਹੂੰ ਕਿ ਵੋ ਕਿਆ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹਾ ਹੈ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਕੇ ਲੀਏ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਰੋਟਰੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਥੋੜਾ ਸਾ ਇਸਕੋ ਵੀ ਹਮੇ समझने की ज़रूरत है। ये भी मोस्ट पावरफुल टूल है। ये पूरी दुनिया में हमारे 1.2 मिलियन मेंबर्स हैं जो कि एक हमारी फैमिली है, रोटरी फैमिली है, और हर आदमी अपनी फील्ड में स्पेशलाइज्ड है। एक तो ये होता है ना कि आप बच्चे हैं तो यहाँ पर तीन डिफरेंट एरियाज़ के मेंबर्स मौजूद हैं रोटरी में, तो रोटेरियंस है, रोट्रैक्टर है, इंटरैक्टर, तो तीन डिफरेंट एजेस के लोग हैं जो कि रोटरी से बिलोंग करते हैं। तो ये एक प्रोफेशनल्स की ऑर्गेनाइजेशन है और बहुत ज़बरदस्त ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड वाइड है, और इसमें स्कॉलरशिप से लेके इंटरप्रेन्योरशिप से लेके बहुत से काम हो रहे हैं। स्पेशली छः डिफरेंट एरियाज़ हैं जिसमें हम काम कर रहे हैं, ह्यूमैनिटी से लेके और इकोनॉमिक्स तक। हम हर टूल्स पे, हर एरिया में ये काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ख़ास तौर पे पाकिस्तान की अगर हम बात कर रहे हैं, रोटरी और पाकिस्तान की जो पोलियो है, हम उसको ख़त्म करने के हवाले से बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। और 24 अक्टूबर जो है इंटरनेशनल डे है पोलियो का, हम वर्ल्ड वाइडली भी सेलिब्रेट करते हैं, नेशनल वाइड भी करते हैं। तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है जो पोलियो को ख़त्म करने के लिए तमाम दुनिया के रोटेरियंस यहाँ कर रहे हैं। हम खुद भी कर रहे हैं, पूरी दुनिया मिल के यहाँ कर रही है, और मैं समझता हूँ कि इसमें हमें बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स भी हैं। और लेकिन क्योंकि आपको पता है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, ख़राबियाँ हैं, इसकी वजह से कहीं ना कहीं अभी लास्ट दो केसेस रिपोर्ट हुए हैं, तो हम बहुत एक छोटी से एरिया पे हैं कि वो हम चाहते हैं कि यहाँ बिल्कुल 100% ख़त्म हो जाए। तो वो जो बहुत छोटा सा एरिया है वो एक बहुत उस जगह को हमें वो भी ख़त्म करना है। सही। तो मैं समझता हूँ कि रोटी बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है यहाँ पे, और यहाँ डिफरेंट क्लब्स हैं, सुमन भी हमारे साथ रोटरी में है, ये एक और क्लब में होती हैं, तो ये और मज़ीद क्योंकि रोटरी का एक्सपीरियंस सुमन का मुझसे बहुत ज़्यादा है। मैं बहसीत एक क्लब के हूँ, ये मेरे डिस्ट्रिक्ट पे काम कर रही हैं, तो सुमन का एक्सपीरियंस रोटरी के हवाले से उनसे ही जानते हैं जी। रोटरी बेसिकली कोई एनजीओ नहीं है। बेसिकली जो रोटरी के बारे में एक मिसकंसेप्शन होती है कि जी कोई एनजीओ है, जिस तरह से एनजीओस काम कर रही होती हैं, रोटरी का ऐसा कोई एनजीओ से रिलेशन नहीं है। रोटरी इज कम्युनिटी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, और कम्युनिटी सर्विस में हर तरह की चीज़, पानी, हेल्थ, लोगों की सेफ्टी, इसके अलावा इकॉनमी बिल्डिंग में रोटरी का बहुत बड़ा हाथ है, इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की एजुकेशन, लिटरेसी, इन तमाम चीज़ों पे रोटरी जो है वो फोकस होती है और काम कर रही होती है। लिटरेसी में पाकिस्तान लिटरेसी मिशन जो है वो रोटरी का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और एक बहुत बड़ा मिशन है जिसको इंटरनेशनल सपोर्ट भी हासिल है, और उसकी बुनियाद पर बेतहाशा स्कूलों में अवेयरनेस प्रोग्राम्स, जिसमें अभी हाल ही में हमने फायर सेफ्टी के मुख्तलिफ जो है वो इवेंट्स करवाए हैं। इसके अलावा बच्चों के बहुत सारे ऐसे स्कूल, वो बच्चे जो कि अपने अखराजात तालीम के बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनको यूनिफॉर्म से लेके उनके टेक्स्ट बुक्स और टेक्स्ट बुक से लेके उनकी फ़ीस और उनके आने जाने का बंदोबस्त, वो तमाम चीज़ें रोटरी के ज़रिए मुख्तलिफ स्कूल्स में की जा रही हैं जो रोटरी के अडॉप्टेड स्कूल्स हैं। तो हमारा लिटरेसी मिशन इसमें बहुत काम कर रहा है, बेतहाशा स्कूल्स को सपोर्ट है, बल्कि ऐसा भी होता है कि जहाँ पे हम अपना एक स्कूल अडॉप्ट करते हैं उसके आसपास बहुत सारे, इसकी वजह से हुआ ये है कि वो लोग जो कि अपने बच्चों को इस वजह से तालीम नहीं दे पा रहे थे कि उनके पास फंड्स अवेलेबल नहीं थे, उन तमाम लोगों के बच्चे अब अल्हम्दुलिल्लाह
स्कूलों में आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, तो जहाँ पे कहते हैं ना कि जी तालीम बुनियादी हमारी ज़रूरत है, तो इसमें रोटरी का, लिटरेसी मिशन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। दैट्स रियली गुड। मेरा काजी, आप क्या कहेंगे रोटरी के बारे में? बीना रोटेरियन, बिफोर रोटेरियन एंड आफ्टर रोटेरियन, पहले भी काम कर ही रहे थे, लेकिन ये है कि किसी के फेस में मुस्कुराहट लेके आना सबसे बड़ी बात यह है। और सब कुछ तो रोटरी के बारे में काजी आज ने सामान्य बता ही दिया, लेकिन बस मैं ये कहूँगी कि 24 इंटरनेशनल डे जो हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं एंड पोलियो के, उससे तो ये हमने एक थीम रखी है, और मैं ये वर्ल्ड वाइड पूरे इंटरनेशनल मैसेज दूंगी कि मैंने, हम लोगों ने, हमारे क्लब ने ये जो प्रोग्राम करेंगे स्टेशन पे करेंगे। ट्रेन जा रही है, ये थीम है हमारा, और हम उसको बाय बाय कर रहे हैं, हम उस एंड पोलियो को ख़त्म कर रहे हैं। दैट्स रियली गुड। और होप करते हैं कि अभी हमें के जाना वो सेहतमंद पाकिस्तान और एक तालीम याफ्ता पाकिस्तान के लिए जो उनके किरदार है। जी जी, देखिए अगर हम इस टाइम गवर्नमेंट ऑफ सिंध को अप्रिशिएट ना करें तो ये हमारी ये फिर ज्यादती हो जाएगी। देखिए रोटरी के हवाले से गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने, हमारी ज्वाइंट पार्टनरशिप है, और उन्होंने ये स्पेस रोटरी को दिया कि जनाब आइए आप हमारे साथ पार्टनरशिप में काम करें, और तमाम इवन वो कोई भी गवर्नमेंट स्कूल है आप वो अडॉप्ट करें, और रोटरी उसके साथ काम कर रहा है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ काजी शाहिद साहब को, लास्ट प्रोग्राम में वो हमारे साथ शरीक हुए थे ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ सिंध। तो ये एफर्ट्स हैं, डेफिनेटली हमारी भी रिकग्निशन है, ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध की भी रिकग्निशन है। मैं ये समझता हूँ कि हमें अप्रिशिएट करना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ सिंध को कि ये एक बहुत अच्छा इकदाम है, और ये गवर्नमेंट एंड प्राइवेट पार्टनरशिप में आगे बढ़ने का बहुत ज़बरदस्त कदम है। बेशक। और अगर जो कि मैंने ये बात मैंने इसलिए जो है ना वो रिपीट की यहाँ पर, फिर मैं अपने बात पर आऊँगी दोबारा, जो मैं टॉपिक कंटिन्यू कर रही थी, मैंने कहा कि जिन बच्चों को स्पेशली सिंगिंग और एक्टिंग और इन तमाम चीज़ों का शौक है, बेशक हमारे पास ऐसे स्कूल मौजूद है जहाँ म्यूज़िक सिखाई जा रही है, यहाँ पे एक्टिंग सिखाई जा रही है, और बाकी जो जितने भी जाना वो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ या स्पोर्ट्स के हवाले से बात है तो क्लब्स मौजूद हैं, लेकिन आप नहीं समझते कि ये तमाम चीज़ें एजुकेशन का हिस्सा हैं, इन्हें फ़रोग देना चाहिए, क्योंकि जब गवर्नमेंट के सतह पर या गवर्नमेंट के लेवल पर उनको फ़रोग मिलेगा, उनको स्टाइपेंड की सूरत में, उनको स्कॉलरशिप्स की सूरत में, उनको आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, तो फिर किसी बच्चे को ये ना सुनना पड़े कि जी आप इस तरफ आगे नहीं बढ़ सकते, इसमें आगे स्कोप नहीं है। आगे ये जो आपने जितनी भी बातें की हैं ये रोटरी लिटरेसी प्रोग्राम का पार्ट एंड पार्सल है, टोटली पार्ट एंड पार्सल है, और ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, इसमें तमाम प्रोफेशंस, तमाम उन बच्चों के शौक जिसको आप वोकेशनल भी कह सकते हैं। देखिए बात यह है कि इससे बड़ी ज़िंदगी में कोई चीज़ ही नहीं है कि आप अपने शौक को प्रोफेशन बना लें। वाकई तो मैं समझता हूँ अगर एक सिंगर है, मतलब हम वो रोल मॉडल, हमें कोई बहुत बड़ा सिंगर तो नज़र आता है, कभी आप पूछे तो सही उसका स्ट्रगल बना कैसे है? वो बना कैसे है? तो हम बीइंग अ रोटेरियन में बात कर रहा हूँ, हम वो प्रोवाइड कर रहे हैं, फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, हम वो एरिया प्रोवाइड कर रहे हैं, या हम गवर्नमेंट सिंध के साथ मिलके हमारे पास ये तो चीज एक लेवल है ना कि हमने ये सब चीजें हम दे सके, हम दे सकते हैं, लेकिन जो मैं जिस लेवल पे बात कर रही हूँ, ओवरऑल अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो बात यह है कि हुकूमती सतह पर यहाँ पर मेरे शो में आए हुए बहुत से जाना स्पोर्ट्समैन जो मायूसी के शिकार थे, जिनको बहुत सी प्रॉब्लम्स थी, जिनको बहुत कुछ फेस करना पड़ रहा था, जिनको बहुत जुनून है, जो इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी हैं, जो इंटरनेशनल लेवल के फुटवॉली के जित कांडो के खिलाड़ी मेरे पास मौजूद वहाँ इस शो में आए हुए, और वो कहते हैं हम जुनून रखते हैं, जुनून की हद तक अपने वतन से मोहब्बत करते हैं और उनको रिप्रेजेंट भी करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, लेकिन बात यह है जब वतन वापसी पे कोई स्टाइपेंड नहीं, कोई आगे से रिवॉर्ड नहीं, कोई आगे से अप्रिशियंस नहीं, तो फैमिली की तरफ से ये फोर्स आना शुरू हो जाता है कि जी क्या मिल रहा है,
इवन स्पॉन्सर्स भी नहीं मिल रहा है उनको, इवन आगे जाने के उनको मौके ठीक से नहीं फराहम किए जा रहे हैं। उसकी मिसाल ना, मतलब अगर हम ये देखें कि स्क्वाश की टीम में तो एक आदमी होता है, हॉकी में 11 लोग होते हैं, क्रिकेट में 11 होते हैं, तो अगर हम स्क्वाश की मिसाल लें तो रोशन खान हमारे पास मिसाल है। जब ये पाकिस्तान से बाहर गए तो मैं वाकता बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ, इत्तेफाक से मैं भी स्क्वाश भी खेला हूँ, तो उनके पास जूते नहीं थे, जाने का किराए की बात नहीं कर रहा हूँ, उनके पास जूते भी नहीं थे उस स्टैंडर्ड के कि उसको वो वहाँ मीट कर सके। अल्लाह ताला ने किसी भी तरीके से वहाँ पहुँचा दिया। उस ख़ानदान ने दुनिया में 50 साल स्क्वाश पर हुकूमत की। ऐसे क्रिकेट की बात देख लें, हॉकी की देख लें, हम देखें बात क्या है, हम सारी जिम्मेदारियां हुकूमत पे ना डाल दें। ये इंडिविजुअल बेसिस का काम है और ये कम्युनिटी का काम है, हमने ये तमाम काम बहैसियत कम्युनिटी के करने हैं, और अगर हम ये जिम्मेदारी बहैसियत कम्युनिटी वर्कर के ले लें, उस कम्युनिटी के बेसिस पे हम काम करें, तो हुकूमत का कोई पार्ट एंड पार्सल नहीं है। हुकूमत का काम सिर्फ पॉलिसीज बनाना है और उस पर अमल करना है, और हमारा काम उन पॉलिसी पे अमल करवाना है। बेसिकली क्या हो गया है कि हमने सिस्टम को, इन सारी चीज़ों को हुकूमत की जिम्मेदारी समझ के डाल दिया है। आज हम बातें करते हैं गवर्नमेंट स्कूल की, प्राइवेट स्कूल्स की, ये वही पाकिस्तान था, वही पाकिस्तान है जहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल से लोग पढ़ के निकलते थे, CSS करते थे, और ये पाकिस्तान कहीं था। अगर आज हम बात करें इंडोनेशिया की, हम बात करें जर्मनी की, मुझे नहीं पता कितने लोगों को मालूम है, जर्मनी उन मुल्कों में से है जिसने पाकिस्तान से कर्ज लिया था। तो आज अगर हम मेरी बात को, पॉइंट को नहीं समझे, ये तो मैं हमेशा अपने शो में डिस्कस भी करती आई हूँ कि यहाँ पब्लिक की वजह से, प्राइवेट सेक्टर्स का यहाँ आना, मैं चूंकि आप मेरी बात कर रहे हैं, ये शो में मैं कई बार डिस्कस कर चुकी हूँ कि पब्लिक के आवाज़ ना उठाने पर ही प्राइवेट सेक्टर्स ने जन्म लिया। क्यों? क्योंकि उस वक्त जब उसी वक्त उस कमज़ोरी पर काबू पा लिया जाता कि टीचर्स की गैरहाजिरी है और व्हाट, कोई अगर ध्यान नहीं दे रहा, उस वक्त आवाज़ उठाई जाती तो कोई प्रॉब्लम उसी वक्त ही सॉल्व हो चुकी होती। आज प्राइवेट सेक्टर्स भी नहीं आते, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये नहीं, प्रॉब्लम यहाँ ये है कि उन बंदों की मैं बात कर रही हूँ, देखिए उनकी भी एक लाइफ है, उनका एक वे है, वो बहुत कुछ फेस कर रहे हैं। चूँकि मैं उनसे एक मीटअप और एक कम्प्लीट प्रोग्राम के बाद, उनसे सारी चीज़ें डिस्कस होने के बाद, तो वो ये चाह रहे हैं कि कम से कम उनको ये हो कि उनका फ्यूचर सिक्योर हो, वो ये गेम ना छोड़ें, वो छोड़ना नहीं चाहते, वो जुनून की हद तक चाहते हैं। मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं वही बात कर रहा हूँ, मिसहैप किसी के साथ भी हो सकता है, हो रहे हैं। मैं किस बात पे जोर दे रहा हूँ, हमने कम्युनिटी का पार्ट बनना छोड़ दिया है। देखिए वो बात है ना कि हमने अपनी जिम्मेदारी छोड़ दी है। मैं स्पेसिफिकली उस अचीव पर्सन की बात नहीं कर रहा, क्यों, उस बेचारे ने तो अचीव कर लिया, अब उसकी हमारे से बहुत ज़्यादा वो बढ़ गई हैं कि लोग मुझे अप्रिशिएट करें, मेरे लिए लोग कहें वाह क्या बात है, ठीक है ना, वो जिम्मेदारी अपनी जगह है। लेकिन बेसिकली जो गैप आ रहा है वो क्या गैप है, जो कम्युनिटी है उसकी इन्वॉल्वमेंट बहुत कम हो गई, कम है, हो गई है। अच्छा, उसमें पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। देखिए जब हम इन्वॉल्वमेंट की बात करते हैं, मैं एक होपफुल आदमी हूँ, मैं हमेशा होपफुल रहता हूँ, और मैं समझता हूँ कि हम कितने भी ख़राब हो जाएं, कितने भी बुरे हो जाएं, अगर उम्मीद है तो हम हैं, पाकिस्तान है, तो वो उम्मीद क्या है कि देखिए कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट हमारी नेगेटिव हो गई है, हमने उस प्रॉपर तरीके से लोगों को कम्युनिकेट करना या ग्रिप करना या पूछना छोड़ दिया है तकरीबन। और मैंने कहा मेरा भाई है, आंख बंद कर लो। नो, सॉरी टू कट यू काजी साहब, लेकिन यहाँ एक छोटे से ब्रेक करना है, मैं आपको जरूर कंटिन्यू करूंगी ब्रेक के बाद। अच्छा, या दकसानी उठते नहीं मगर अभी उठते चिपत का है साड़ी भाई।